हेलो गाइस, वेलकम बैक इन हे नगरी पार्ट 13। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कुछ भी नहीं, लिटरली सच में कुछ भी नहीं करने वाले। चलो पे कुछ भी मतलब थोड़ा मोड़ा टाइम पास वाला काम है। हमें पहले ये जो ग्रास दिख रही है जिसको हमने ये किया था, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जिसको पता है कमेंट में बता दो। और ये इसको हमें पूरा ये ग्रीन ग्रास करना है, क्योंकि ग्रीन ग्रास अच्छी लगती है और इससे बहुत बेकार दिखती है। चलो भाई लोग करते हैं हम लोग इसको कट। मैं मिलता हूँ आप लोगों को पूरा रहिए करने पूरा हटाने के बाद। चलो मैंने पूरा हटा दिया, इसी के साथ हटाने के बाद यहाँ से भी हटा देता हूँ पूरा, मतलब उतना हटा दिया। बीच में खाई है इसलिए देख के थोड़ी दूरी बना के कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। नीचे गिर गया तो खत्म। तो फिर चलो भाई लोग आगे चलते। यहाँ पे भी ऐसा ही है, चलो ऐसे करना पड़ेगा भाई, लेकिन ये डर्ट कहाँ से लाऊंगा। चलो कोई ना, ये तो भर ही लूँगा मैं उतने पीछे वाले डर्ट से, पीछे का भलो बच जाएगा थोड़ा मोड़ा। और यहाँ से फिर ऐसे, फिर चलो थोड़े डर्ट ले लिए मैंने हाथ में। डर्ट लेने के बाद भरो इसको पूरा। तो भाई लोग मैं मिलता है यार आप लोग को पूरा भरने के बाद। और वो देखो नीचे क्रीपर है। चलो मैं मिलता हूँ भरने के बाद। ये देखो थोड़ा मोड़ा मैंने आगे का भर दिया, इतना बाकी है, इसको भी भर देते। भाई लोग मैं मिलता हूँ आपको पूरा भरने के बाद। पूरा भर चुका है, बस इतना सा बाकी है, ये और पीछे का थोड़ा सा। वो बाकी सब तो हो गया, भर गया। मैं सोच रहा था अगले संडे को एकदम एक धमाकेदार एकदम मस्त वीडियो आ रही है, आप लोग जाके देख लेना। और मैं सोच रहा था शाउट आउट देना चाहता हूँ मुकुल स्वामी को, जो हमारे पिछले वीडियो में हर वीडियो देखते हैं हमारी, वो अच्छे से उनको शाउट आउट देना चाहता हूँ। वो मेरा भाई दोस्त है, वो दोस्त है मतलब मेरा भाई जैसा दोस्त है वो मुकुल स्वामी। स्वामी बोलना अच्छा नहीं लगेगा, मुकुल बस। भाई बिग शाउट आउट टू यू भाई, अब तो खुश हो गया ना तू भाई। मैंने माइनिंग एरिया के लिए एक सेपरेट रूम टाइप बना लिया, अगर किसी को माइनिंग करने जाना होगा तो उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, पीछे से गंदा दिखेगा, इसलिए हटा देता हूँ। भाई लोग अगले वीडियो में अगर रॉनी नहीं रहेगा तो बस अपने सारे ट्रेडर को मैक्स लेवल तक करने की कोशिश करूँगा, और अगर रॉनी रहेगा तो कुछ नहीं, एक गेट को भी लगा देते हैं पहले लैडर के पास जाके, वहाँ ऐसे बैठो फिर ये लो। गेट लग गया भाई लोग, कहते माइनिंग एरिया भी रेडी हो गया। चलो हम हमारे थोड़े आर्मर और टूल्स को इंजॉइंट करते, चलो जाके इंजॉइनमेंट एरिया के पास जाते हैं। अब कुछ नहीं तो कम से कम इंजॉइनमेंट तो कर ले। और भाई लोग मैं सोच रहा था अपने सारे बिल्ड्स को ऐसे लाइन में कर दूँ और बीच में से जाने जाने के लिए रास्ते रहने दूँ। तो मुझे लगता है अगले वीडियो में मुझे मेरा ट्रेडिंग हॉल बोल रहा हूँ या ट्रेडिंग हॉल बोल रहा हूँ मैं, मेरे को मेरा इंजॉइनिंग एरिया हटाना पड़ेगा, क्योंकि घर के रास्ते के बीच में आ रहा है। और ये अगर ऐसे ही रास्ते के बीच में आते रहेगा तो मैं इसको रास्ता नहीं दे पाऊँगा। चलो शायद मैं इसको लैगिंग्स को कौन कौन से इंजॉइनमेंट मिले, शार्पनेस 3 मिली है भाई स्वॉर्ड को, उसको देनी है यार स्वॉर्ड को, मेरे को इंजॉइनमेंट देनी है। पर हमारा एक्सपी फार्म ही नहीं काम करता अच्छे से, उसको भी लगता है मेरे को बनाना पड़ेगा। तो चलो आगे चलते हैं। ये हमारे चेस्ट प्लेट को प्रोटेक्शन फोर मस्त है भाई, प्रोटेक्शन फोर की इंचाइनमेंट मिल रही है। चलो भाई थोड़ी देर बैठ के ये करके देखते, पर ये तो काम ही नहीं करता यार, इससे अच्छा मैं थोड़ी देर यहाँ क्या बोलते हैं यार इसको, थोड़ी देर हम हमारी गन्ने की खेती पे ध्यान देते हैं, शुगर केन इसको अच्छे से कर, इसको मतलब ग्राइंड कर लेते हैं इससे। मेरे को लगता है मैं अब इस अगले वीडियो में इसको
अच्छे से बनाऊंगा, ऑटोमेटिक बनाऊंगा भाई। ऐसे बहुत दिक्कत हो जाती है, पर आयरन फार्म बनाना पड़ेगा क्योंकि आयरन की बहुत ज़रूरत लगती है। तो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।